दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में बेहतर तो बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि कैसे। आज के समय में हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में तनाव से गुजरते हैं, चाहे वह कारोबार हो, जॉब हो या रिश्ते हों। यदि आप भी उनमें से एक हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और ज़िंदगी से खुशियाँ ढूँढ रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा टॉम कॉनेलन द्वारा लिखी गई बुक द 1% सॉल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ से 1% सक्सेस फार्मूला, जो आपके अगले 30 दिनों को सर्वश्रेष्ठ बना देगा। शाम के समय केन अपना कंप्यूटर बंद करके संतुष्टि से कुर्सी पर बैठ गया। यह उसका एक और बेहतरीन काम करने का दिन था। फिर उसकी नज़रें दीवार पर उस ओर गई जहां उसने कुछ समय पहले ही अपने पुरस्कार को फ्रेम कराकर टांगा था। फिर उसने अपनी डेस्क पर अपने परिवार के फ़ोटो देखे। उसका वैवाहिक जीवन एक बेहतरीन महिला के साथ बहुत बेहतरीन था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीते थे। जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती थी तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। अपने बच्चों पर उसे गर्व होता था। गहरी सांस लेते हुए केन ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था, लेकिन केन हमेशा से ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले वह बहुत ही बुरी हालत में था। वह और उसकी पत्नी अधिकांश समय झगड़ते ही रहते थे। उनके बच्चे भी अशिष्ट होते जा रहे थे और स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। उसे हमेशा अपनी नौकरी भी खतरे में ही नज़र आती थी और हर दिन किसी न किसी से उसका ऑफिस में झगड़ा हो ही जाता था। उसे बिल्कुल भी यह एहसास नहीं था कि वह इस हाल में कैसे पहुंचा। अपने मित्रों, परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ही नहीं है जो इस हालत में है, बल्कि उसके जैसे बहुत से लोग हैं जो उतनी ही बुरी हालत में थे। उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि वे वहाँ कैसे पहुँचे। कुछ को तो यह एहसास भी नहीं था कि वो वहाँ हैं। केन सोचने लगा कि क्या यही ज़िंदगी है। वह बहुत निराश था। अचानक उसकी मुस्कान वापस लौट आई जब उसने अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ को याद किया। शनिवार सुबह केन अपने बेटे जैक का उस सीज़न का पहला फुटबॉल मैच देख रहा था। उसकी टीम उस टीम से मैच खेल रही थी जिसने उन्हें लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हराया था। जब मैच आगे बढ़ा तो अचानक उसने देखा कि जैक की टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जो पिछले साल की तुलना में बिल्कुल अलग लग रहा था। उनकी टीम ज़्यादा एकाग्र लग रही थी। केन अब पूरी तरह मैच में खो गया। वह तालियां बजाने लगा। आखिर में जैक की टीम ने मैच जीत लिया। मैच के बाद केन टीम के कोच जिम के पास पहुंचा और उन्हें बधाई दी। केन कोच से कहने लगा कि यह सुधार आश्चर्यजनक है। उसने कोच से कहा कि आपकी टीम के सभी लड़के पिछले साल की तुलना में बिल्कुल अलग दिखते हैं और आप भी। आपका रहस्य क्या है? जिम ने केन से कहा, आपकी बात सही है। मैं पिछले साल जैसा था अब उससे एक अलग इंसान हूँ। मैं पिछले सीजन से एक तरह की यात्रा पर हूँ और मैंने इस यात्रा में जो सीखा है, मुझे उम्मीद है कि उसमें तुम्हारी रुचि अवश्य हो। जिम ने केन से कहा कि टोरिनो में आयोजित 2006 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की स्कीइंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और कोई मेडल नहीं के बीच सिर्फ 1.08 सेकेंड या 0.9% का अंतर था। यह सुनकर केन हैरान हो गया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई रेस में माइकल फिलिप्स 8 तैराकों में 7वें स्थान पर चल रहे थे, लेकिन अंतिम 50 मीटर में वे अपने और अपने से आगे चल रहे सर्बिया के मिलोरेट केविक के बीच 5 तैराकों से आगे निकलने में कामयाब हुए। ऐसा लग रहा था कि केविक ने फिलिप्स से पहले दीवार छू ली थी। फिलिप्स भी यही सोच रहे थे कि केविक की ही जीत हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि उस आधे स्ट्रोक ने फिलिप्स को अधिक तेज़ी से दीवार तक पहुंचा दिया था। वे 50.58 सेकंड में पहुंचे थे, जबकि केविक 50.59 सेकंड में। स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच का फासला सिर्फ 0.002% था। इससे हम यह सीख सकते हैं कि यदि इसका औसत निकालने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि साधारण और असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। मैं जानता था कि हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी टीम बाकी टीमों से 100% बेहतर नहीं बन सकती, लेकिन हम बाकी के सभी पहलुओं में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। जब मैंने 1% के फॉर्मूले का रहस्य खोज लिया तो मेरे सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का एक वर्ल्ड खुल गया। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन वह इस समय जहाँ पर है वहाँ से बेहतर अवश्य बन सकता है। केन ने जिम से पूछा, क्या यह फॉर्मूला कैरियर पर भी लागू होता है? जिम कहने लगे, बिल्कुल होता है। यदि आप कोई सेल्स प्रतिनिधि हों या मार्केटिंग करते हों या फिर मैनेजर हों, तो आप किसी अन्य सेल्स प्रतिनिधि या मार्केटिंग मैनेजर से 100% आगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके सैकड़ों पहलुओं में से 1% बेहतर अवश्य बन सकते हैं। जिम केन से कहने लगे कि अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूँ जो केवल कुछ लोग ही जानते हैं।
अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें यह बताने का समय आ गया है। मेरे एक मित्र ने मेरा परिचय लोगों के एक अविश्वसनीय ग्रुप से करवाया जिन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। मैं उनसे मिलकर हैरान रह गया क्योंकि मुझे यह पता चला कि जिस सिद्धांत को मैंने ओलंपिक के परिणाम में खोजा था वे उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे। इस समूह में हम 6 लोग हैं, मैं, मेरा मित्र सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक टॉप भौतिक विज्ञानी, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यवसाय का मालिक और एक एक्स ओलंपिक खिलाड़ी। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं समूह के बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आपको उत्कृष्टता हासिल करने का अपना रहस्य बताएं। जिम ने केन को अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर आप फैसला करते हैं कि आप तैयार हैं तो मुझे फ़ोन कर देना। केन ने जिम को अगले ही दिन हाँ कर दी। जिम ने केन से कहा कि शुरुआत करने से पहले मुझे आपको 3 नियम बताने होंगे। पहला कि आप जो कर रहे हैं उसे अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी के साथ भी शेयर न करें। दूसरा कि आप यह प्रक्रिया तभी शुरू कर सकते हैं जब आप इसे पूरा करने का लिखित वादा करें और समूह के सभी सदस्यों को मिलने के बाद सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। और तीसरा कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के 180 दिनों के अंदर आपको कम से कम एक व्यक्ति की इसी तरह से मदद करनी होगी जिस तरह आपकी मदद की गई थी, यानी आपको यह सीखी हुई बातें किसी दूसरे को सिखानी होंगी। इसके बाद केन समूह के पहले सदस्य सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्लोस से मिलने पहुंचा। केन ने कार्लोस को बताया कि इन दिनों मेरे लिए प्रेरित होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं प्रेरित नहीं होता हूं तो अधिक कार्य नहीं कर पाता हूं। कार्लोस ने कहा कि आपके हिसाब से यह इस प्रकार होना चाहिए कि जब आप प्रेरित होंगे तब आप कार्य करेंगे। यदि आपकी बातों पर गौर किया जाए तो आप कहना चाहते हैं कि आप जितना प्रेरित होंगे उतना ही अधिक कार्य करेंगे। कार्लोस केन से कहने लगे कि अब यदि हम इसे इस प्रकार से देखें, आप जितना अधिक कार्य करेंगे उतना ही अधिक प्रेरित होंगे। अर्थात जब आप किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं तो आपको उस कार्य में महारत हासिल हो जाती है और कार्य के पूरा होने पर आपको अधिक प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगातार होता है। कार्लोस ने केन से कहा कि जब भी ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देनी होती थी तो मैं चुपचाप बैठा रहता था और यह प्रार्थना करता था कि कोई दूसरा उस प्रेजेंटेशन के लिए अपना हाथ उठा ले। लेकिन मैंने एक दिन सेल्स प्रतिनिधियों के एक छोटे से ग्रुप को ट्रेनिंग के लिए अपना हाथ खड़ा कर दिया। उसे सफलतापूर्वक करने से मुझे उपलब्धि का जो एहसास हुआ उसने मुझे संसार के टॉप पर पहुंचा दिया। इससे मैं और प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रेरित हुआ। फिर केन समूह के दूसरे सदस्य पैट से मिला जो कि एक कॉलेज में फिजिक्स की प्रोफेसर थी। पैट ने केन से जानना चाहा कि उसने अपने पिछले सेशन में क्या सीखा था। केन ने पैट को बताया कि प्रेरणा की कमी मुझे चीज़ों को हासिल करने से रोक रही थी, लेकिन कार्लोस ने मुझे बताया कि मैं किसी कार्य को जितना अधिक करूँगा उतना ही ज़्यादा प्रेरित होऊंगा। न्यूटन का गति का नियम। पैट ने केन को बताया कि 1% फॉर्मूले का एक प्रमुख भाग न्यूटन द्वारा खोजा गया गति का नियम है और यह नियम यह है कि जब तक किसी बाहरी शक्ति द्वारा कार्य न किया जाए तब तक स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु स्थिर ही रहती है और गतिमान वस्तु गतिमान ही रहती है। कई बार हम एक जगह पर अटक जाते हैं और जब तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ जाती जो हमको उस कार्य को करने के लिए क्रियाशील न कर दे तब तक हम वहीं पर रुके रहते हैं। इसलिए जब एक बार आप अपने आप को गति में ले आते हैं तो आप गति में ही बने रहते हैं। इसके बाद पैट ने केन को 20-80 रूल के बारे में बताया। 20-80 रूल यह है कि 20% लोगों के पास 80% दौलत होती है, 20% प्रोडक्ट्स ही कंपनी की 80% इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी रेस्टोरेंट के 20% डिशेज ही उसकी 80% इनकम के लिए जिम्मेदार होती हैं। इस प्रकार आप 80% परिणामों की ओर ध्यान न देकर सिर्फ 20% उन कार्यों पर फोकस करें और यह परिवर्तन आपको बहुत बड़ा परिणाम देता है। 10,000 घंटों का नियम। पैट से मिलने के बाद केन समूह के अगले सदस्य बॉब से मिला जो एक रेपुटेड बिजनेसमैन थे। बॉब ने केन को बताया कि अलग अलग अध्ययनों में यह साबित किया जा चुका है कि यदि आप किसी भी चीज़ में उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए 10,000 घंटों की वेल प्लान्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यदि हम बिल गेट्स को देखें तो हमें पता चलता है कि जब तक उन्होंने हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ी तब तक वे 10,000 घंटों से ज़्यादा की प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर चुके थे। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसके पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है तो हकीकत में उनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस होता है जिसे उन्होंने 30 सालों तक दोहराया है। आखिर क्यों कुछ लोग 10,000 घंटों से ज़्यादा लगाने के बाद भी शिखर पर नहीं पहुंच पाते हैं? इसके लिए यह समझना भी आवश्यक है कि सिर्फ 10,000 घंटे ही होना काफ़ी नहीं है, वे 10,000 घंटे क्वालिटी से युक्त होने चाहिए। 30 डेज फॉर्मूला। अब केन समूह के अगले सदस्य क्रिस से मिला जो कि एक रिसेप्शनिस्ट थी। केन ने क्रिस से कहा कि 1% फॉर्मूला आपके और आपके समूह के सभी सदस्यों के लिए कारगर है।
लेकिन मेरे पास प्रैक्टिस के लिए 10,000 घंटे नहीं है, और यदि हूँ भी तो इतने घंटों की मेहनत के बाद भी सिर्फ 1% ही लाभ से क्या फ़ायदा। क्रिस ने केन को बताया कि आपको इसे इस प्रकार देखना चाहिए कि जब आप 1% सुधार की ओर बढ़ते हैं तो हर बार आपका सुधार सिर्फ 1% ही नहीं होता, बल्कि पिछली बार के सुधार से 1% बेहतर होता है, क्योंकि आप 1% सुधार कर चुके थे तो अब आपका जो सुधार होगा उस 1% बेहतर सुधार के ऊपर होगा। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे ब्याज पर ब्याज कमाना। यदि आप आज से 1% बेहतर सुधार प्रारंभ करते हैं तो आज से 6 महीने बाद आप सिर्फ 1% बेहतर नहीं होंगे, बल्कि आप उससे बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आपको अपना परिवर्तन चुनने के बाद उसे अगले 30 दिनों तक लगातार करना चाहिए, क्योंकि 30 दिनों तक हर दिन अपनाने के बाद अंत में वह आपकी एक आदत बन जाएगा जो ऑटोमेटिक होगी। यह समय 30 दिन इसलिए है क्योंकि अध्ययनों में यह बात सामने आती है कि किसी नई चीज़ का आदि होने में आपके दिमाग को मिनिमम 21 दिन का समय लगता है। मेरा मानना है कि आप इसे 21 दिन तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे 30 दिनों तक ले जाएं, जिससे आपका नया व्यवहार अधिक मजबूत हो जाए। इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान न दें कि यदि आप असफल हो गए तो क्या होगा, बल्कि यह सोचें कि जब आप सफल होंगे तो कितना बेहतरीन पल होगा। जब आप यह कहते हैं कि मैं मिलेनियर नहीं हूँ तो आप निराशा का अनुभव करते हैं। इसके स्थान पर यदि आप इसमें अभी तक शब्द जोड़ दें तो इससे पूरा भाव ही बदल जाएगा। अब इसे आप इस प्रकार पढ़ें, मैं अभी तक मिलेनियर नहीं हूँ। अभी तक जोड़ने से आपका नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाता है। अब केन समूह के आखिरी सदस्य जेफ से मिला, जो पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी थे। जेफ ने केन को बताया कि टॉप 1% लोग स्वास्थ्य लाभ के समय को हमेशा अपने दिन में स्थान जरूर देते हैं। यूसेन बोल्ट इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में 100 मीटर की दौड़ 9.69 सेकंड में पूरी की और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि उसके 3 साल पहले वे 9.75 सेकंड के अवरोध को नहीं तोड़ पा रहे थे। उनके प्रशिक्षकों को एहसास हुआ कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। बोल्ट यह सोचकर चिंता में थे कि आराम की अवधि बढ़ाकर कहीं उनकी गति कम न हो जाए, लेकिन हकीकत में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और उनका समय 0.6% बेहतर हो गया। जेफ ने केन से कहा कि यूसेन बोल्ट का यह सुधार 1% से भी कम था, जिसने उन्हें एक असाधारण धावक से वर्ल्ड का सबसे तेज धावक बना दिया। रिसर्च में यह बात सामने आती है कि किसी कर्मचारी का प्रदर्शन उतना ही बेहतर होता था जितना कि वह वैकेशन पर जाता था। हर महीने 10 घंटे की वैकेशन से उसकी परफॉर्मेंस 8% बेहतर होती थी। दोस्तों, अब इस पुस्तक द्वारा सीखे गए 1% फॉर्मूला को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। जीतने वालों और हारने वालों के बीच में सिर्फ 1% का फर्क होता है। आप 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन 1% बेहतर अवश्य बन सकते हैं। आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपको उतनी ही अधिक प्रेरणा मिलेगी। न्यूटन के गति के नियम को फॉलो करें। जब तक हमें कोई बाहरी शक्ति या परिस्थिति हमें कार्य करने के लिए क्रियाशील नहीं करती है, हम तब तक स्थिर ही बने रहते हैं। इसलिए अपने आप को क्रियाशील अवस्था में रखें। जीवन में 20-80 फॉर्मूला लागू करें। उन 20% चीज़ों पर फोकस करें जो आपके जीवन में 80% सफलताओं के लिए जिम्मेदार हों। 10,000 घंटों की वेल प्लान्ड प्रैक्टिस करें। हमेशा अपने आज को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब भी किसी नए कार्य या आदत का चयन करें तो अगले 30 दिनों तक लगातार उस कार्य या आदत पर कार्य करें। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों, अपनी ज़िंदगी में स्वास्थ्य लाभ को स्थान अवश्य दें। यह ध्यान अवश्य रखें कि आपका सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है। दोस्तों, यह कुछ बातें हमने सीखी हैं टॉम कॉनलन द्वारा लिखी गई बुक 1% सॉल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ से। यदि आप इस बुक की सभी बातें सीखना चाहते हैं तो आप इस बुक को अवश्य पढ़ें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसे ही ज्ञानवर्धक किताबों के ज्ञान के लिए हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएँ, जिससे आप कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।